माँ। हाँ बेटा। माँ हम अमीर क्यों नहीं है? हमारे पास भरपेट खाना भी नहीं है, भगवान जी ने हमें ऐसा गरीब क्यों बनाया? बेटा किसने कहा हम गरीब हैं? अरे हम तो दिल से बहुत अमीर हैं। तो माँ भगवान जी हमें इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? देख बेटा गरीब होना कोई पाप नहीं है। देख जैसे एक घोड़ा किसी रेस में दौड़ता है तब उसका मालिक उसे चाबुक से बहुत मारता है, पता है क्यों? क्यों माँ? क्योंकि उसका मालिक उसे जिताना चाहता है। तो बेटा उसी तरह हम भी जिंदगी की रेस में दौड़ रहे हैं और हमारा मालिक भगवान है। अगर वो हमें तकलीफ दे रहा है, गरीबी दे रहा है, तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि हमारा मालिक भी हमें जिताना चाह रहा है। तो इसका मतलब हम भी एक दिन भरपेट खाना खाएंगे? हाँ बेटा, चल अब तू बैठ और मुझे मेरा काम करने दे। ठीक है माँ। अरे वो क्या है? एक काम करती हूँ, जाकर देख लेती हूँ। अरे ये तो पैसे हैं, वो भी इतने सारे, पर ये किसके हैं? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, अब मैं क्या करूँ? मैं माँ को जाकर बताती हूँ। हाँ माँ। क्या हुआ बेटा, और तू कहाँ गई थी? माँ ये देखो। अरे ये पैसे तुझे कहाँ से मिले? माँ ये पैसे मुझे वहाँ गिरे हुए मिले। पर बेटा तुझे इस तरह से किसी के गिरे हुए पैसे नहीं लेने चाहिए थे। पर माँ ये पैसे तो मुझे वहाँ ऐसे ही गिरे हुए मिले, वहाँ कोई नहीं था। पर बेटा ऐसे किसी के पैसे हमें नहीं लेने चाहिए। पर माँ। नहीं बेटा, हम गरीब जरूर है पर चोर नहीं। ला ये पैसे मुझे दे। ये पैसे जिसके भी गिरे होंगे वो यहाँ ढूंढते ढूंढते जरूर आएगा। चल हम मिलके यहाँ इंतजार करते हैं। चल। आज तो बहुत थक गई, पहले अलमारी में पैसे रख देती हूँ। हाँ अरे पैसे कहाँ गए? यही तो रखे थे, कहीं वो गिर तो नहीं गए? मैं अभी देख कर आती हूँ। माँ अब हम घर कब जाएंगे? बेटा ये पैसे जिसके हैं वो यहाँ इसे ढूंढने जरूर आएगा, हम ये पैसे उसे लौटा कर ही जाएंगे। अच्छा ठीक है। माँ देखो वो आंटी वहाँ कुछ ढूंढ रही है। हाँ बेटा लगता है ये पैसे उन्हीं के हैं, चल उन्हें दे देते हैं। सुनिए आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? अरे आज सुबह जब मैं यहाँ से जा रही थी तो मेरे पैसे गिर गए, पता नहीं कहाँ गए। अच्छा वो पैसे आपके थे? ये लीजिए आपके पैसे। अरे ये पैसे आपको कहाँ से मिले? आंटी यहीं पड़े थे आपके पैसे, वो मुझे मिले और मैंने अपनी माँ को दे दिए। अरे थैंक यू सो मच, अगर ये पैसे आपने संभाल कर नहीं रखे होते तो इन्हें कोई और ले ही जाता, इसलिए ये पैसे आप ही रख लो। अरे नहीं नहीं मिम साहब, हमें ये पैसे नहीं चाहिए, ये लीजिए। अरे पर रख लीजिए, इन पैसों की आपको ज्यादा जरूरत है। नहीं नहीं हमें ये पैसे नहीं चाहिए। आंटी आप इन पैसों के बदले हमें खाना दे दो। अच्छा ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ये लो बेटा। जी धन्यवाद मेम साहब।
अरे थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, मदद तो आप लोगों ने मेरी की है, इसलिए थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ। अरे माँ देखो। अरे बेटा ये माँ आप जो कह रहे थे वो सच हो गया, हमारा मालिक भी हमें जीता गया। भगवान पर भरोसा रखे, भगवान सबकी सुनता है। और एक बात कि संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है भगवान पर भरोसा। बस याद रखें, ईमानदारी और अच्छे कर्मों की किस्त समय से भरते रहे। हैप्पी होली।